नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जूली छाछरिया है। मैं सीड्स ऑफ इनोसेंस आईवीएफ सेंटर गुवाहाटी में आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज मैं बात करने जा रही हूँ एडवांस मैटरनल एज, यानी बढ़ती मातृ उम्र। ये एक ऐसी अवधि है जो 35 साल से अधिक उम्र की महिलाओं की को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती है। 35 के बाद चाहे नेचुरल प्रेगनेंसी हो या IUI या IVF के जरिए प्रेगनेंसी हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स की सामना करना पड़ता है। 30 साल के बाद एक महिला की ओवेरियन रिजर्व या अंडों की क्षमता कम हो जाती है और 35 के बाद ये और भी शीघ्र कम होने लग जाती है। इसी कारण से प्रेगनेंसी में होने वाली प्रॉब्लम्स अधिक हो जाती है। और सिर्फ प्रेगनेंसी होने में ही नहीं बल्कि गर्भपात यानी कि मिसकैरेज होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। और बढ़ती उम्र के साथ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जैसे कि डाउन सिंड्रोम होने के भी रिस्क बढ़ जाती है। अगर अभी आपकी उम्र कम है या अभी आप अपने करियर के वजह से प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर पा रहे हैं या विवाह नहीं हुआ है, तो आपके पास पहला ऑप्शन है एग फ्रीजिंग या ऊसाइड क्रायोप्रिजर्वेशन का। इस प्रक्रिया में आप अपने एग्स को या फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है या एम्ब्रियोस को आप फ्रीज कर सकते हैं और इसके आप फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी आपकी उम्र अधिक है और अभी तक अभी आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर आपके पास ऑप्शन रहता है IVF विद प्री जेनेटिक टेस्टिंग का। इस प्रक्रिया में माता पिता का अंडा और शुक्राणु लेके IVF करके जो भ्रूण बनाया जाता है उसका हम जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं ताकि हम आपको एक जेनेटिकली हेल्दी बेबी दे पाए। इससे आपका गर्भपात का भी रिस्क कम हो जाता है और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी या जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का भी रिस्क कम हो जाता है। और अगर किसी आपके अंडे अभी इतने खराब हो गए हैं या बिल्कुल ही कम हो गए हैं, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन रहता है ओसाइड डोनेशन का, जहाँ पे हम अन्य किसी का अंडा लेके हम आपका IVF कर सकते हैं और आपको प्रेगनेंसी दे सकते हैं। तो अगर आपकी उम्र 35 या 40 से अधिक है और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो शीघ्र ही हमें विजिट करें सीड्स ऑफ इनोसेंस IVF सेंटर गुवाहाटी ABC भामाघर पे। थैंक यू।